गाइस माय नेम इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस रियलमी ने लॉन्च किया अपने रियलमी नार्जो सीरीज को इंडिया में, एंड जितनी रियलमी ने हाइप बनाई थी मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन नहीं, यानी कि कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको एकदम लेने पे मजबूर कर दे। सो यहाँ पे रियलमी ने दो स्मार्टफोन को लॉन्च किया, एक तो है रियलमी का नार्जो 10A एंड एक है 10। एंड आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बारे में, एंड आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, एंड अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा एंड क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो शुरुआत करते हैं नार्जो 10A से। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, यानी कि आपको ग्लास बॉडी कहीं भी देखने को नहीं मिलती, एंड 6.5 इंच की स्क्रीन है, IPS डिस्प्ले है, HD+ डिस्प्ले है, एंड इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ बेटर मिलती है, वो इसका प्रोसेसर जो कि है हेलियो G70। एंड अदर फीचर्स की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में मिलता है 12+2+2 मेगापिक्सल का, एंड 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, एंड आपको कोई भी फास्ट चार्जर इसमें नहीं मिलता, सिर्फ आपको 10 वॉट का ही एक नॉर्मल चार्जर मिलता है आपको चार्ज के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ इसमें और भी फीचर्स की, तो इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। स्प्लैश रेजिस्टेंट ये स्मार्टफोन है, यानी कि हल्के फुल्के पानी से सेफ कर लेगा आपके स्मार्टफोन को। एंड इसमें आपको दो कलर वेरिएंट मिलते हैं, एक तो है सो वाइट एंड एक है सो ब्लू, दो कलर वेरिएंट है, एंड सिर्फ इसका एक ही वेरिएंट है 3GB 32GB। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन आपको 8499 rupees, यानी कि 8500 rupees का मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन में, सो इस स्मार्टफोन में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं, यानी कि एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन है, सिर्फ आपको यानी कि जो रियलमी का C3 था, सिर्फ इसमें कैमरा थोड़ा सा अलग करके दे दिया है, एंड बाकी सभी कुछ सेम ही है, एंड कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मुझे लगा। तो बस एक ऑप्शन है आपके लिए रियलमी का C3 एंड रियलमी का नार्जो 10A, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एंड अब बात करते हैं नार्जो 10 की। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB 128GB, एंड इसमें आपको दो कलर वेरिएंट मिलते हैं, एक तो है दैट वाइट एंड एक है दैट ग्रीन। अब नाम थोड़ा सा अलग टाइप से, उसका सो वाइट सो ब्लू, इसका दैट वाइट दैट ग्रीन, चलो जो भी है ठीक है। एंड स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें भी आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, बिकॉज जो प्राइस है वो 12000 rupees के स्मार्टफोन के, एंड इसमें आपको सिर्फ HD+ स्क्रीन मिलती है, एंड इसकी भी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की ही बॉडी है, यानी कि आपको अगर कोई और स्मार्टफोन लेते तो उसमें आपको, जैसे रेडमी का कोई स्मार्टफोन लेते हो उसमें आपको ग्लास बॉडी मिलती है, बट इसमें भी आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, आई डोंट नो क्यों किया ऐसा। एंड अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी गेमिंग के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन ठीक है, बट अदर चीज़ों की बात करूँ तो बस ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एंड बैटरी, इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बट इसमें आपको 18 वॉट का इनबॉक्स में फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। एंड 4 क्वाड कैमरा सेटअप इसमें आपको दिया गया है, 48 का इसका मेन सेंसर है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है, यानी कि एक नॉर्मल सा सेटअप दिया गया है। एंड 16 मेगापिक्सल की इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। सो ओवरऑल कैमरा वगैरह आई डोंट नो कौन सा सेंसर लगा हुआ है, सैमसंग का ही ऑब्वियसली लगा होगा, सैमसंग का G M1 सेंसर आई थिंक, एंड सेल्फी कैमरा 16 का है। एंड ओवरऑल जो भी स्पेक्स है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं, यानी कि कुछ ऐसी नहीं है कि आपको लेने पर मजबूर कर दे या फिर आप किसी स्मार्टफोन को स्किप करके ये वाला स्मार्टफोन ले, बट एक ऑप्शन बस आपको रियलमी ने दे दिया है कि हाँ इस प्राइस सेगमेंट में ये एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, यानी कुछ खास नहीं है। एंड नार्जो 10 में आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं प्राइसिंग वगैरह की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्मार्टफोन 4GB 128GB वाला वेरिएंट इसका आता है, एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो है 11999 rupees। अब मेरे हिसाब से जो प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा हाई है, बिकॉज GST भी हाइक हो गई है, एंड उसकी वजह से जो प्राइस है थोड़ी हाई है। अगर ये जो स्मार्टफोन ये 10 से 11000 rupees के अंदर होता, यानी कि 10, 10.5 या 11, मैक्सिमम 11000 तक होता, तो आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन होता, बिकॉज 12000 rupees मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है नार्जो 10 के लिए, एंड 8500 rupees भी थोड़ा ज़्यादा, 500 rupees अगर 8000 rupees में नार्जो 10A आता तो ठीक होता। सो यहाँ भी एक ऑप्शन आपके लिए है कि अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, या फिर और भी कुछ और अच्छे ऑप्शन है। सिर्फ यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर ठीक मिलते हैं, यानी गेमिंग प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में, एंड बाकी जो भी स्पेक्स है वो एक नॉर्मल से स्मार्टफोन वाले ही स्पेक्स है, यानी कुछ खास ऐसे स्पेक्स नहीं है जिसके लिए आप लेने के लिए मजबूर हो जाए। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको रियलमी का नार्जो सीरीज पसंद आया तो मुझे वो भी नीचे कमेंट करके बताएं, अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। सो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार एंड मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड वाला गाइस बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, पीस।